की शुरुआत करते हैं हमारे सांस्कृतिक खंड से और बिखेरते हैं रंग हमारे कला और संस्कृति के। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैसाखी की धूम से। 14 अप्रैल 1699 को सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसलिए हर साल बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैसाखी की धूम। भांगड़े की धुन पर नाचते लोग तो वहीं ठेठ पंजाबी खाने की खुशबू के साथ। भारतीय संस्कृति में बैसाखी होली के बाद दूसरा सबसे पुराना त्योहार है। जब ऋतु बदलती है और खेत खलियान फसलों से भर जाते हैं तब किसान नाच गाकर इस मौसम का स्वागत करते हैं और यही जश्न बैसाखी है। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के मौके पर ही सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके बाद से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ये दिन खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी है। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की साधना की, मुर्दा हो चुकी इस कौम को एक नवी जिंदगी दी। पांच प्यारों की चोन एक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जीवन का मैं समझता हूँ सबसे श्रेष्ठ दिन था। जब वैसाखी आती है तो किसान भाई भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि नवी फसल आ रही है। और जिस वक्त गुरु अमरदास महाराज जी ने गोविंदवाल साहब के अंदर जो वहाँ पर बावली है उसका कार्ड, वो भी वैसाखी वाले दिन ही महाराज जी ने उसका टक वगैरह उसको कंप्लीट किया था। इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ उन गुरुद्वारों में देखने को मिलती है जिनमें सरोवर होते हैं। सिख ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इस दिन गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में स्नान करते नजर आते हैं। बैसाखी पर गुरुद्वारों की रौनक देखने लायक होती है। सैकड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही की वजह से देर रात तक यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। बैसाखी पर्व दरअसल एक लोक त्योहार है जिसमें फसल पकने के बाद उसके काटने की तैयारी का उल्लास साफ झलकता है। ये मेहनत के फल पाने पर जश्न मनाने का मौका होता है जो गांवों में आज भी बरकरार है। बैसाखी पर्व है खुशियां मनाने का, नाचने गाने का, भंगड़ा पाने का। इस दिन खेतों में खड़ी फसल के प्रति किसान अपनी खुशी जाहिर करते हैं और इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। बैसाखी की धूम देखकर मानिए आपको आ गई ना पंजाब की उस मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू। फिर मेरा तो मानना यह है कि पंजाबियों के उस मस्ती की उस शान के पीछे एक अहम कारण है और वो है उनका खाना, जो यहाँ चटपटेदार मसालेदार तड़केदार पंजाबी खाना। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ठेठ पंजाबी फूड फेस्टिवल में। क्या खास है इस फूड फेस्टिवल में, क्या कुछ अलग है और कितना स्वादिष्ट है, हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ले चलते हैं रामनवमी के अवसर पर आयोजित एक कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका में, जहाँ पर पारंपरिक कुचिपुड़ी नृत्य शैली के साथ साथ उसमें पाश्चात्य शैली का भी तड़का दिया गया है। बचपन से ही हम रामायण को अनेक तरीकों से देखते और जानते हुए आए हैं। कहीं रामलीला